हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम का वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। सो बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। और बेसिकली आपको नीट, मेंस और AI EEE या फिर एम्स के प्रॉब्लम सब डिस्कस किए जाएंगे। सो बने रहिए आव्या क्लासेस के साथ और आइए पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है क्या। सो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। देखो, आप जानते हो कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mv। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, mv से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू mv। बेसिकली जो मोमेंटम होता है उसको p से डिनोट करते हैं, वो mv के बराबर होता है। सो जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंट होगा, ठीक है, इसका जो टर्निंग एबिलिटी होगा किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, उसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो देखो, यदि p लीनियर मोमेंटम किसी पार्टिकल का होगा और r यदि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन, देन एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्मूला से डिफाइन किया जाता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। सो हम लोग सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मोमेंटम इस डायरेक्शन में, पी डायरेक्शन में, और आपको बोले कि पॉइंट जो है ओरिजिन उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। सो आप क्या करोगे, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक आप लाइन ड्रॉ करोगे या आपको रेडियस वेक्टर होगा और उसका आप इस मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो आप जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, rp साइन फाई इंटू यूनिट वेक्टर n। अब ये सब टर्म के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, जहां पर फाई क्या है, एंगल बिटवीन r एंड p, ठीक है। सो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। r क्या है, उस पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, और p तो आप जानते हो कि मोमेंटम हो गया। सो बेसिकली आप जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, पी इंटू आर साइन फाइ इंटू एन कैप, या फिर आर साइन फाइ क्या हो गया, आपको आर परपेंडिकुलर हो गया। कैसे, सो आप देखो, सपोज करो कि ये कोई है पॉइंट जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, पी इस डायरेक्शन में और ये आपको आर हो गया, ठीक है। सो और यदि इनके बीच का एंगल होगा वो फाई होगा। सो एंगल आप दो वेक्टर के बीच का कैसे देखते हो, आइदर टेल टू टेल देखते हो या हेड टू हेड देखते हो। सो इसको आप, ये जो वेक्टर आर वेक्टर है, इसको आप ऊपर लेकर के जाओगे ताकि ये एंगल क्या बन जाए, टेल टू टेल बन जाए। सो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपको थीटा हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये आर साइन फाई की बात करोगे तो यही हो गया आपको आर साइन फाई, ठीक है। तो ये देखो, पी से परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसके रिस्पेक्ट में पी से परपेंडिकुलर जो लाइन है वही आपको कंसीडर करना है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर। तो बेसिकली जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको आप आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपको एंगुलर मोमेंटम होता है। सो ये सारे टर्म यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं, जिसको, जिसके बारे में आपको मैंने भी जस्ट बताया हूँ। सपोज करो कि ये एक m मास का बॉडी है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv होगा। यहाँ पर इस फिगर से दिखाया गया आपको ओरिजिन के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या करोगे, पहले आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करोगे जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, और फिर आप देखोगे कि इनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। सो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पहला आपको क्या था, पी इंटू आर परपेंडिकुलर। पी इंटू आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे, पी को आप ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, लाइक यहाँ पर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है, और जो पॉइंट जिससे निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे जो कि यहाँ पर ड्रॉ किया गया। अब ध्यान दो, निकालने के लिए क्या करोगे, जो मोमेंटम का डायरेक्शन है उसको आप एक्सटेंड करोगे आगे पीछे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, लाइक ये जो फिगर जो हम लोगों ने बनाया था ऐसे, उसमें आप कैसे किए, इसको आगे पीछे कर दिए और परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ कर दिए, तो देखो यही आ गया था परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि पी को आप कंपोनेंट में ब्रेक करो, ठीक है। सो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा जो कि r के लॉन्ग होगा, सो यहाँ पर क्या है, r cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये r के लॉन्ग है।
तो यहाँ पर पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आर के लॉन्ग है और दूसरा कंपोनेंट होगा जो आर के परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट पी साइन थीटा क्या है, आर के परपेंडिकुलर। तो आर के पैरेलल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, क्या बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। और दूसरा ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा उसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमने ऑलरेडी पी साइन थीटा ले लिया और ये परपेंडिकुलर आर का है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो क्लियरली आप ऐसे करके सॉल्व करते हो, ठीक है, या तो पी इंटू आर परपेंडिकुलर कर लो या पी परपेंडिकुलर इंटू आर कर दो। इसको हम लोग पी परपेंडिकुलर भी बोल दे रहे हैं। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी गई होगी। देखो क्लियरली पी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये जो रेडियल कंपोनेंट है, ये कोई टर्निंग मोमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा। आप इस फिगर को भी देखोगे तो समझ जाओगे। देखो इस फिगर में जो पी कॉस थीटा कंपोनेंट या पी कॉस फाई कंपोनेंट है, वो यदि खींचा जाए तो क्या इस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को ये घुमा पा रहा है या घुमाने में सहयोग कर रहा है, घुमाने में हेल्प कर रहा है? बिल्कुल नहीं। सो जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो कभी आपको एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं करता, केवल जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वही एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है और इस कारण से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अदरवाइज यदि जो रेडियल कंपोनेंट यदि वो हेल्प करता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो बेसिकली आप देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि रेडियल कंपोनेंट विल नॉट प्रोड्यूस एनी एंगुलर मोमेंटम, ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट और पी साइन फाइ विल प्रोड्यूस एंगुलर मोमेंटम। सो एल इज इक्वल टू पी साइन फाइ, जो मैं पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहा हूँ, इंटू आर कर दिया और यहाँ से आपको आ गया एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। सो आई थिंक ये यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका डायरेक्शन समझते हैं। लेकिन डायरेक्शन समझने से पहले एंगुलर मोमेंटम का आपको ज्यादा फील आए उसके लिए हम लोग एक हिंज के अबाउट एक किसी ऑब्जेक्ट या एक रॉड को हमने हैंगिंग हो रहा है उस पर देखते हैं। सपोज करो कि ये रॉड में इस डायरेक्शन में हमने वी वेलोसिटी दे दिया, वी वेलोसिटी दे देगा तो क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट करने की एक टर्निंग टेंडेंसी आएगा और ये ऐसे करके टर्न करेगा। सो ये वी वेलोसिटी जो हो गया या जो ये मोमेंटम एम वी हो गया, ये जो टर्निंग टेंडेंसी दे रहा है वही बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब देखो कि यदि मैं इस कंपोनेंट की बात करूं, सपोज करो कि इसको हम लोग नीचे की तरफ खींचते हैं, इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो क्या ये इसको रोटेट करा पाता? बिल्कुल नहीं करा पाता। इसलिए मैं बोला था कि रेडियल कंपोनेंट कभी भी एंगुलर मोमेंटम में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, केवल आपको ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देखो यहाँ पर इसके लिए आप फॉर्मूला, आपको पूछा जाए कि इस फिगर में एंगुलर मोमेंटम निकालो तो क्या करोगे, तो आप करोगे आर क्रॉस पी या करोगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये फाइ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा आर इंटू पी, बिकॉज ऑलरेडी ये कंपोनेंट जो वी है वो आर का परपेंडिकुलर है। आप एंगल कैसे निकालते थे, आपको ध्यान करो एंगल कभी भी हेड टू टेल मत निकालना। यदि ऐसे एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर ऐसे होगा तो ये एंगल कभी मत लिखना, आप एक वेक्टर को आगे कर देना तो जो एंगल जो आएगा टेल टू टेल वही मेरा हो जाएगा एंगल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। इसको मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे जो मैग्नेटिज्म का, तो उसमें मैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। एनीवे मैं फिर से बोल देता हूँ, आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर देखना कौन सा है, फर्स्ट वेक्टर आर है, सेकेंड वेक्टर क्या है पी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आर के तरफ अपने राइट हैंड के फोर फिंगर्स को रखना है, जो आपके राइट हैंड की चारों उंगलियां हैं उसको आर की तरफ रखो और क्या करो उसको पी की तरफ टर्न कर दो। तो आप देखोगे कि जब फिंगर्स को इस तरफ रखोगे अपने राइट हैंड के फोर फिंगर्स और उसको इस तरफ टर्न करोगे तो थंब क्या है अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो थंब जहां पर पॉइंट आउट करेगा उसी तरफ आपको आर क्रॉस पी जो वेक्टर होगा उसका वैल्यू होगा, ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो थंब अंदर की तरफ है, सो एल किस किस साइड होगा, अंदर की तरफ होगा, जो कि यहां पर लिखा गया है। कोई भी फिगर ले लो, सपोज करो ये फिगर ले लो ऐसे और ये फिगर ऐसे ले लो, आर इधर है पी इधर है। अब अपने फिंगर्स को इस तरफ रखो राइट हैंड के फिंगर्स को और इस तरफ आप टर्न कर दो, तो आप देखोगे कि थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है,
बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो एल का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। सो एंगुलर मोमेंटम में आप देख रहे हो क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, सो इसमें दोनों कंपोनेंट होगा, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। और यदि कुछ भी चीज चेंज होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम में दो होता है, पहला हो गया डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपने कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो, ठीक है। दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, ये निकालते हो आर पी साइन फाइव, ठीक है, जहां फाइव के बीच का एंगल है। अब दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम आपको क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो अब ध्यान देना, जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा दोनों आप निकालना और देखना कि क्या कोई चीज चेंज हो रहा है, यदि कुछ भी चीज चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया, एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम ना हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग होता है। इसको आप अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए जब भी कोई मास सर्कुलर मोशन में मूव करेगा उस केस को हम लोग देखेंगे तो आप ज्यादा समझोगे। आप बस ये जान लो कि चूंकि एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है, सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, परपेंडिकुलर टू आर, इट इज एल इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एल इज परपेंडिकुलर टू पी, ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए प्लेन ऑफ रोटेशन के ये परपेंडिकुलर हो गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहेगा, ठीक है। अब इसका यूनिट डायमेंशन देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है आपको, ठीक है। इसका यूनिट क्या चीज होगा, यूनिट होगा देखो ये है आर इंटू पी, पी का वैल्यू क्या होता है एम वी, और साइन फाइव, साइन फाइव का यूनिट क्या हो गया, नो यूनिट, तो इसका नहीं होगा। इसका देखो इसका हो गया मीटर हो गया, इसका क्या हो गया केजी हो गया, इसका क्या हो गया आपको मीटर पर सेकेंड, सो होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और हम लोग इसको जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्यों इसको जूल सेकेंड बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जूल क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है, और ये होता है एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ और एस को करोगे तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इसमें देखो क्या है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इसको आपको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस वन। क्लियरली यदि जूल सेकेंड की बात बोलोगे, देखो ये जूल सेकेंड की बात बोलोगे, ये सेकेंड है और ये एस डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जूल सेकेंड भी हो सकता है। इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये डायमेंशन क्या आ रहा है, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होगा, ठीक है, यहाँ पर ये गलती लिख दिया गया है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंड इट इज सिमिलर टू द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कार्टिजियन कोऑर्डिनेट के रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये भी बहुत इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हो गया, आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे आर को उसके वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मेरे ख्याल में ये आपको समझने में से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज करो कि ये पॉइंट मैं इसको एक्स वाई प्लेन में दिखाऊं, यदि तो ये आर है, इसका मैं कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई बोलूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां तक जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस जाना होगा और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस जाना होगा और तब आप यहां पर आ जाओगे। इसका मतलब आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, ये आपको टू डायमेंशनल प्लेन में है। यदि मैं थ्री डायमेंशनल की बात करूं, स्पेस की बात करूं, तो इसमें एक जेड कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से जो P है उसका तीन कंपोनेंट होगा, एक होगा along X axis जिसको मैं PX बोलूंगा, एक होगा along Y axis जो PY हो गया, एक along Z axis जिसको PZ बोल दिए। अब किसी axis के along यदि कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो उसको आप जीरो मान लोगे। अब मोमेंटम निकालना, इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम निकालना एल, तो क्या हो गया आर क्रॉस पी, ये निकालने का इनफैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। आप इसको डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हो, तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। सो ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट रो, ये मेरा सेकेंड रो, और ये मेरा क्या हो गया थर्ड रो। उसी तरह से इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ये मेरा सेकेंड कॉलम, और ये मेरा थर्ड कॉलम।
अब क्या करो कि फर्स्ट जो रो है उसमें आई जे के लिख दो, सेकेंड रो में पहला वाला जो वेक्टर है उसके क्रॉस्पॉन्डिंग आई जे के कंपोनेंट लिख दो, तो क्या है एक्स वाई जेड, सो आप लिख दिए एक्स वाई जेड। फिर जो ये जो तीसरा वाला जो रो होगा उसमें दूसरे वाले वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिख दो, तो क्या लिख दोगे पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये आप लिख लिया, इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, तो पहले आप लिखो आई लिखो, ठीक है, फर्स्ट जो है ना आप ऐसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको क्लियर पता होगा, ये जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं तो बता रहा हूँ, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट चाहे तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो आई के हम लोग इस जो फर्स्ट रो है इसके लॉन्ग कर रहे हैं एक्सपेंड, तो क्या करोगे आई जैसे लिखोगे तो फर्स्ट आई देखो किस रो किस कॉलम में है, तो आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या करोगे माइनस वन के ऊपर में पावर लिख दोगे फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और यहां पर आपने इसका टर्म जो आई है वो डाल दिया। अब क्या करोगे कि जिसके लॉन्ग आई है उस कॉलम को हटा दो और उस रो को हटा दो, तो बाकी क्या बचा ये चार बचा, तो अब क्या करो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें से घटा दो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखोगे y इंटू पी जेड माइनस पी वाई इंटू जेड, तो यही चीज लिखा गया है। फिर आपको निकालना है सेकेंड, सेकेंड क्या है j, चूंकि आप फर्स्ट रो के लॉन्ग कर रहे हो तो j के लिए आप क्या करोगे आप फिर लिख दोगे प्लस j, ठीक है, और उस माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे j कितने रो कितने कॉलम में है, पहला रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, और आप फिर अब इस टर्म को हटा दोगे और इस टर्म को हटा दोगे तो क्या क्या बचेगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं x बचा पी एक्स बचा जेड बचा पी जेड बचा, फिर आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया x पी जेड माइनस जेड पी एक्स जेड पी एक्स। अब ये देखो ये जो माइनस साइन है ये अंदर जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस साइन के साथ ये लिखा गया है। उसी तरीके से अब तीसरा जो है वो k है, तो यहाँ पर k लिख दो और फिर क्या हो जाएगा माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, सो वन प्लस थ्री, और फिर ये टर्म छोड़ दोगे तो बाकी क्या बचेगा x x पी एक्स और क्या बचा y पी वाई, सो x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी एक्स, तो ऐसे करके निकल गया। ये कोई टफ चीज नहीं था, आसान था, आपको आइडिया होगा, यदि नहीं भी आइडिया होगा तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको याद आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग देख लेते नेक्स्ट कंसेप्ट कि मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मोमेंटम किस किस एंगल पर होता है। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आप जानते हो फॉर्मूला से, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है, एल होता है एम वी आर साइन फाइ। सो आप देखो यहाँ पर मैं एक हिंज दिखा रहा हूँ, ये एक रॉड है जिसमें यहाँ पर एक हिंज लगा हुआ है, सो आप बेसिकली इसमें जब आर इसके परपेंडिकुलर होगा वी के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि इस केस में पी का ऑल कंपोनेंट, देखो आप मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, पी का ईच एंड एवरी कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सारा जो जो लीनियर मोमेंटम है वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन यदि इसके लॉन्ग रहेगा तो केवल एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस केस में सब कर जाएगा। ऐसे भी साइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, साइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, और साइन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियरली 90 डिग्री होने पर आपको मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि पूरा कंपोनेंट ट्रांसवर्स हो जाता है, वैसे ही आपको मिनिमम के लिए जब लीनियर मोमेंटम रेडियल कंपोनेंट होगा सारा का सारा। तो क्लियरली इस केस में फाई का वैल्यू कितना होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और यदि फाई का वैल्यू ये रहा तो साइन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 0 के बराबर हो जाएगा, और एल मिनिमम का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मोमेंटम किस कंडीशन में होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर एल मैक्सिमम हो गया एम वी आर जब साइन फाई का वैल्यू 1 हो गया, और ये देखो दिया गया है वी इज परपेंडिकुलर टू आर, एल मिनिमम का वैल्यू 0 होगा जब साइन फाई का वैल्यू 0 होगा, और इसके लिए क्या होगा फाई का वैल्यू 0 होगा डिग्री या 180 डिग्री, एंड वी इज पैरेलल, यदि वी आर के पैरेलल है लाइक आर भी इसी डायरेक्शन में है और मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में है,
लाइक कोई सपोज करो कि मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताओ कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो क्या ये इसको रोटेट करा पाएगा? नहीं, ये रोटेट नहीं करा पाएगा। और आर भी इसी डायरेक्शन में है, वी भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। जबकि यदि हम लोग 580 डिग्री या वी एंटी पैरेलल टू आर का कंडीशन देखें तो वो कैसा होगा? देखो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। क्लियरली आर क्या है, आपको यदि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आर इस डायरेक्शन में होगा। सो आर आपको इस डायरेक्शन में हो गया, वी इस डायरेक्शन में हो गया, और उनके बीच का जो एंगल हो गया वो फाई कितना हो गया? 180 डिग्री। लेकिन क्या ये कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो कि यहाँ पर है और ये इस तरफ घूम रहा है, मैं एक नेक्स्ट फिगर बना देता हूँ। कोई सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसको आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेटिंग एबिलिटी निकालनी है जो कि चल रहा है इसी तरफ, तो क्या ये जो मोमेंटम है एम वी, क्या इसको रोटेट करा पाएगा, टर्न करा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लाइन जो एक्सिस है, जो पॉइंट है, उसी पॉइंट से ये मोमेंटम पास कर रहा है। तो जो मोमेंटम इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, सो और उस केस में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये सारे मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन वो आप समझ गए हो। अब हम लोग देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या होगा। सो ये जो कंसेप्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एम मास का बॉडी है और ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। सो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। और ये जो मास है इसका आपको यदि कैलकुलेट करना हो एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगुलर मोमेंटम बोलोगे एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन फाई। यहाँ पर फाई क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड वी। अब देखो इसको यदि आप आगे की तरफ कर दोगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो गया m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। सो v का वैल्यू क्या है? r ओमेगा, बिकॉज अब टेंजेंशियल वेलोसिटी है r ओमेगा के बराबर। सो आप जब v का वैल्यू r ओमेगा डालोगे तो क्या होगा? m r स्क्वायर इंटू ओमेगा के इक्वल हो गया। और m r स्क्वायर इस बॉडी का इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया i हो गया और ये l हो गया i ओमेगा के बराबर। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। आप देखो कि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और ऐसे करके आपने सॉल्व किया और फाइनली L का वैल्यू आ गया आर ओमेगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। अब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में I क्या है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का बॉडी है और ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। और ये जो मास है इसका आपको यदि कैलकुलेट करना हो एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगुलर मोमेंटम बोलोगे एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन फाई। यहाँ पर फाई क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड वी। अब देखो को यदि आप आगे की तरफ कर दोगे तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो साइन फाई का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो गया m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। सो v का वैल्यू क्या है? r ओमेगा, बिकॉज अब टेंजेंशियल वेलोसिटी है r ओमेगा के बराबर। सो आप जब v का वैल्यू r ओमेगा डालोगे तो क्या होगा? m r स्क्वायर इंटू ओमेगा के इक्वल हो गया। और m r स्क्वायर इस बॉडी का इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई हो गया और ये एल हो गया आई ओमेगा के बराबर। सो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। आप देखो कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और ऐसे करके आपने सॉल्व किया और फाइनली एल का वैल्यू आ गया आर ओमेगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। अब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आई क्या है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता है। यहाँ पर इसका एक्सिस कौन सा है? इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। सब समझो कि यहाँ पर जो एक्सिस है वो इस प्लेन से क्रॉस कर रहा है, इस प्लेन से गुजर रहा है और इसके सेंटर पर है। मैं यहाँ पर फिगर फिर से दोबारा बनाऊँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है और पार्टिकल यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। करेक्ट, आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा। आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी है
ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वही आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। आप एल का डायरेक्शन इस केस में निकालने के लिए ओमेगा का डायरेक्शन निकाल लो, वही आपको एल का डायरेक्शन होगा, या फिर आप आर क्रॉस पी का यूज कर लो। ठीक है, आर क्रॉस पी के लिए आप आर की तरफ अपने राइट हैंड के फोर फिंगर्स को रखो, ठीक है, यहाँ पर आप रखो, और वी की तरफ रोटेट कर दो, तो आप देखोगे कि जो आपका थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, प्लेन से बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, इसलिए मैं इसको डॉट से दिखाया हूं यहाँ पर। सो डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। और आप जानते हो कि कोई सर्कुलर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या करो ना, इसके अलोंग अपने फिंगर्स को मोड़ दो, सारे फिंगर्स को, जो चार फिंगर्स हैं आपके राइट हैंड की, उसको मोड़ दो, और तब देखो कि थंब का ओरिएंटेशन किस तरफ होता है। सब मोड़ोगे तो देखोगे थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होता है। सो ओमेगा का वैल्यू आपको क्या होगा, प्लेन से बाहर की तरफ निकलेगा, आउट द प्लेन होगा, और एल का भी डायरेक्शन सेम होगा। सो एल एंड ओमेगा आर आउट ऑफ प्लेन। आपको डायरेक्शन समझने में कोई भी दिक्कत है तो जो इसमें मैं एक वीडियो किया हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्ट के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। स्टिल आपको यदि डाउट हो तो कमेंट में आप लिखिए, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। वैसे ही यदि ये पार्टिकल कोई मास जो है वो इस तरह से क्लॉक वाइज सेंस में रोटेट करेगा, तो आप क्या करोगे, अपने जो राइट हैंड के फोर फिंगर्स है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करा दो, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा दो, ठीक है, तो आप तब देखोगे कि जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। सो इट मींस कि क्लॉक वाइज में ओमेगा एंड एल इज इनसाइड द प्लेन। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि कोई यदि मास सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब सपोज करो एक से ज्यादा यदि बॉडी रोटेट करेगा तो क्या होगा, उस केस में आप क्या करोगे, सबके कारण एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे और उसको ऐड कर दोगे। आपको मैं ये कंसेप्ट एक फिगर से बताता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करेंगे। सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि आर रेडियस के सर्किल में मूव कर, इनफैक्ट आर वन रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम टू है और ये आपको रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये क्लॉक वाइज सेंस में विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का इंडिविजुअली निकालोगे और वेक्टरली ऐड करोगे। ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि सिंपली आप इसको ऐड कर दोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो आपको वेक्टरली ऐड करना है। तो पहले मास के कारण जो मास m1 के कारण एंगुलर मोमेंटम l1 होगा, वो उसका वैल्यू क्या होगा, m r स्क्वायर इंटू ओमेगा वन, इनफैक्ट r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा वन। और m2 मास के कारण क्या हो जाएगा, l2 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर ओमेगा टू, यदि दूसरा वाला रेडियस r2 हो तो। सपोज करो ये रेडियस r2 है। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये जो पहला वाला मास है वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, सो ये आउट द प्लेन है, और दूसरा वाला क्या है आपको इनसाइड द प्लेन है। सो ये अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको ऐड करोगे तो एल नेट, जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एल टू माइनस एल वन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, बिकॉज ये जो एल टू है वो एल वन से बड़ा है, तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप सपोज करो ये दोनों का मास सेम ही मैं ले लिया, तो एम आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, इनफैक्ट ऐसे नहीं होगा, ये होगा एम आर टू स्क्वायर ओमेगा टू माइनस एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन, और एम कॉमन ले लो, आर टू स्क्वायर ओमेगा टू माइनस आर वन स्क्वायर ओमेगा वन, ऐसे हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। सो आप समझ गए होगे आपको कैसे कोई यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो यदि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के कारण एंगुलर मोमेंटम निकालो और उसको वेक्टरली ऐड कर दो। अब कैसे ऐड करोगे, देखो वेक्टर को ऐड करने का बहुत सारा तरीका होता है, या तो पैरेललोग्राम लॉ से कर दो यदि दो वेक्टर है तो, या फिर सबको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, हर एक को आप किस में ब्रेक कर दो, आई जे के में ब्रेक कर दो, और तब सब कंपोनेंट को जोड़ दो, और फिर फाइनल उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट कर लो।
या फिर एक पॉलीगॉन लॉ से भी कर सकते हो। पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं, आपको पता है मैं ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं बार बार, एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ऐड करना है। तो ये L1 है, ये L2 होगा और डायरेक्शन सेम रखना है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल से फाइनल के हेड तक का होगा, ठीक है। ये मेरा पॉलीगॉन लॉ था। तो बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सबको कैलकुलेट करके वेक्टरली ऐड करना होगा, ठीक है। अब होता है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बेसिकली कोई एक रिजिड बॉडी ही आएगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। कोई भी रिजिड बॉडी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, आपको सिलेंडर हो सकता है, आपको रॉड हो सकता है, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस केस में क्या करोगे, आप देखोगे कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, उस एक्सिस के अबाउट उस रिजिड बॉडी का पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसको उसके एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से के अलोंग ही एक्सिस लिया हूँ जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और ये जो बॉडी है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो आपको कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और उसको इसके एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सपोज करो कोई एक एक्सिस हो जो कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा हो, तो कैसे निकालोगे। इस केस में यहाँ पर एक्सिस पी पी डैश से दिखाया गया है, इसके अबाउट निकालने के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे। मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, आई पी हो जाएगा, और फिर आप एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा से ये बॉडी रोटेट कर रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई सी एम है, और ये जो आई पी है, आई पी और आई सी एम में क्या रिलेशनशिप है, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है, जो कि ये बोलता है कि यदि दो एक्सिस पैरेलल हो और उसमें एक एक्सिस यदि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, अब ध्यान दो, अब सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रहा हो और दूसरा एक्सिस जो उसके पैरेलल हो और किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा हो, तो इनके बीच का यदि गैप डिस्टेंस यदि x हो, तो सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशनशिप इन दोनों का होता है वो इससे दिया जाता है, IP इज इक्वल टू ICM प्लस MS स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास करती है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिनिमम होता है, ठीक है। सो ICM क्या होगा, मिनिमम होगा या सबसे कम होगा, ठीक है। सो इसमें आपको MX स्क्वायर जोड़ोगे, जहां पर x डिस्टेंस है ये P-डैश एक्सिस का ICM से, या जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उससे, और इन दोनों को पैरेलल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इससे मेरा आ जाएगा IP आ जाएगा और आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये बेसिकली रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है। आप जानते हो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, dP/dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इससे आप निकाल करके लेकर के आए थे F इज इक्वल टू MA, ये दो आप जानते हो। बस इसका आपको रोटेशनल इक्विवेलेंट लिखना है। रोटेशनल क्या है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। सो dL/dt इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर था, फोर्स जैसे वहां पर लीनियर में होता है रोटेशनल में टॉर्क होता है, तो टॉर्क एक्सटर्नल ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम के बदले क्या होता है रोटेशन में, आई होता है, और ए के बदले क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, टॉर्क आप जानते ही हो। तो टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया, और इसका डेरिवेशन क्या होता है, यहां से स्टार्ट होकर के फिर ये डिराइव होता है। तो अब देखो ये सारा का डेरिवेशन यहाँ पर दिया गया, इस सबको मैं लिखा भी हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए आया इस इक्वेशन से, ठीक है, जो कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ है। उसी तरह से टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dL/dt होगा, उससे आपको आया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये कैसे आया, देखो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ये आप जानते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, I कांस्टेंट है सो I बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, मीन्स कि डिफ्रेंशिएशन के टर्म में जब राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सो ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा, बिकॉज d ओमेगा बाई dt क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है, या इनफैक्ट बोलो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आपको क्या किस किसके बराबर होता है, आपको यदि ध्यान नहीं हो तो आप ऐसे ध्यान करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सलरेशन के होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, एंगुलर एक्सलरेशन के बराबर होगा, जिसको कि हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा के बराबर हो गया, और आपको जानते हो कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, सो यहां से आ गया डेल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। तो इसका बहुत यूज है, हम लोग बहुत सारे इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगुलर इंपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप देखोगे कोई कोई प्रॉब्लम जो देखने में बहुत ट्रिकी लगेंगे, बहुत डरावने से लगेंगे, वो एंगुलर इंपल्स के कंसेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। एंगुलर इंपल्स के कंसेप्ट को बताने से पहले मैं एक लीनियर इंपल्स का थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ, यदि आपको आइडिया ना हो तो। सपोज करो कोई एक बॉल है जिसको आप फोर्स से थ्रो करते हो, या फिर उस पर कुछ फोर्स लगाते हो, अपने पैर से उसको मारते हो, तो क्या हो गया, उसको पैर से जब मारते हो तो बॉल को बहुत कम समय के लिए फोर्स देते हो, लेकिन बहुत तेज फोर्स देते हो। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। सो आप यदि फोर्स और टाइम का मैं ग्राफ बताना चाहूं, सपोज करो यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं टी, और यहां पर फोर्स लिख रहा हूं, तो मैं क्या बोला, फोर्स बहुत हाई होगा और बहुत कम टाइम के लिए होगा। सो कुछ समय के लिए फोर्स वेरी हाई जाएगा, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, मीन्स की टाइम टी इज इक्वल टू टी वन पे स्टार्ट हो रहा है और टाइम टी इज इक्वल टू टी टू पे ये खत्म हो जा रहा है, जहां ये जो टाइम टी वन से टी टू है डेल्टा टी, ये बहुत छोटा है, फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली एफ टी ग्राफ होता है, और इसी को जब आप एरिया निकाल, तो ये जो एरिया निकाल लोगे, ये एरिया, तो एरिया कैसे निकलता था, एफ इंटू डेल्टा टी। देखो इंपल्स के कंसेप्ट को मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुका हूं, तो एरिया निकालते थे एफ डॉट डेल्टा टी, यही आपको क्या कहलाता था, इंपल्स। अब यदि फोर्स की जगह आप टॉर्क को रिप्लेस कर दो, तो जो इंपल्स जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। तो यहां पर देखो, आपको एंगुलर इंपल्स निकालने के लिए फोर्स की जगह आपको टॉर्क करना होगा, और टाइम तो रहेगा ही। एंगुलर इंपल्स को आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी कोई बड़ा टॉर्क बहुत कम ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगे, तो उसको हम लोग एंगुलर इंपल्स कहेंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल से जैसे दिखा रहा हूं, सपोज करो कि ये एक बॉडी है जहां यहां पर हिंज लगा हुआ है, और यहां पर आप इसको बुलेट से फायर करो, ठीक है। बुलेट से फायर करोगे तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, और इस कारण से ये बॉडी क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगा, ठीक है, लग करके ये फिर निकल गया है बुलेट, तो अल्टीमेटली इसमें एक इंपल्स आया, और इस इंपल्स के कारण ये रोटेट किया बॉडी। तो एंगुलर इंपल्स को हम लोग जे से यदि डिनोट करें, तो एंगुलर इंपल्स जे क्या हो जाएगा, टाउ डॉट डेल्टा टी का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पर फोर्स डॉट डेल्टा टी का किया। अब एक दूसरा कंसेप्ट होता है कि इस एरिया को, ये यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया आपको, इसी यही एरिया निकालने से मतलब है, अब फोर्स चूंकि या टॉर्क इस केस में वैरी कर रहा है, तो क्या करो, एक एवरेज टॉर्क मान लेते हैं। भाई आपको एरिया निकालने से मतलब है, हम लोगों ने जो एवरेज टॉर्क लिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, तो टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और यही एरिया आपको ए टू के बराबर हो गया, और यही एरिया ए वन जो है यहाँ पर हम लोगों ने एंगुलर इंपल्स कैलकुलेट किया टाउ डॉट डी टी के इंटीग्रेशन का, उसके बराबर आ गया। सो आपको जो एवरेज टॉर्क है, इसका कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, जे इज इक्वल टू, या फिर एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टाउ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, मैंने एवरेज ले लिया, तो ये टाउ एवरेज बाहर निकल गया, और हम लोग टी वन से टी टू के बीच का इंटीग्रेशन देख रहे हैं जो कि डेल्टा टी के बराबर है, तो टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, टाउ एवरेज का वैल्यू आप जानते हो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी से, तो अब डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, सो ये डेल्टा एल हो गया। सो बेसिकली जो एंगुलर इम्पल्स हो गया वो किसके बराबर हो गया, टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम लोग इसका अप्लीकेशन में देखेंगे। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वहां पर आप देखे थे कि फोर्स, या इनफैक्ट बोलो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम,
यहाँ पर रोटेशनल में आपने क्या देखा, एंगुलर जोड़ दो, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर इम्पल्स एंड लीनियर इम्पल्स। ठीक है, सो आपको ये रिलेशनशिप है, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स। जैसे टॉर्क आप जानते हो आर क्रॉस एफ, तो उसी से आप याद रखो, यहाँ पर आप टॉर्क की जगह डाल दो एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, जिसको हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो गया आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स, ठीक है, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे ही आपने वहां पर देखा था कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो होता है आर क्रॉस पी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। सो यहाँ पर ये जो डेरिवेशन किया गया है कि जे इज इक्वल टू टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, टाउ एवरेज को बोल दो फोर्स एवरेज इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यही टॉर्क होता है, इंटू डेल्टा टी कर दो, डेल्टा टी को अंदर ले आओ, आर परपेंडिकुलर को बाहर ले जाओ, तो ये हो गया लीनियर इम्पल्स या इम्पल्स इंटू आर परपेंडिकुलर। सो एंगुलर इम्पल्स जे इज इक्वल टू लीनियर इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो कि बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और वेक्टर फॉर्म में ये होगा। हम लोगों ने जो एवरेज टॉर्क लिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, तो टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और यही एरिया आपको ए टू के बराबर हो गया, और यही एरिया ए वन जो है यहाँ पर हम लोगों ने एंगुलर इम्पल्स कैलकुलेट किया टाउ डॉट डी टी के इंटीग्रेशन का, उसके बराबर आ गया। सो आपको जो एवरेज टॉर्क है इसका कंसेप्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, जे इज इक्वल टू या फिर एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टाउ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, मैंने एवरेज ले लिया, तो ये टाउ एवरेज बाहर निकल गया, और हम लोग टी वन से टी टू के बीच का इंटीग्रेशन देख रहे हैं जो कि डेल्टा टी के बराबर है, तो टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, टाउ एवरेज का वैल्यू आप जानते हो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी से, तो अब डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, सो ये डेल्टा एल हो गया। सो बेसिकली जो एंगुलर इम्पल्स हो गया वो किसके बराबर हो गया, टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम लोग इसका अप्लीकेशन में देखेंगे। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वहां पर आप देखे थे कि फोर्स या इनफैक्ट बोलो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां पर रोटेशनल में आपने क्या देखा, एंगुलर जोड़ दो, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर इम्पल्स एंड लीनियर इम्पल्स। ठीक है, सो आपको ये रिलेशनशिप है, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स। जैसे टॉर्क आप जानते हो आर क्रॉस एफ, तो उसी से आप याद रखो, यहाँ पर आप टॉर्क की जगह डाल दो एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, जिसको हम लोग जे से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो गया आर क्रॉस लीनियर इम्पल्स, ठीक है, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे ही आपने वहां पर देखा था कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है वो होता है आर क्रॉस पी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। सो यहाँ पर ये जो डेरिवेशन किया गया है कि जे इज इक्वल टू टाउ एवरेज इंटू डेल्टा टी, टाउ एवरेज को बोल दो फोर्स एवरेज इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यही टॉर्क होता है, इंटू डेल्टा टी कर दो, डेल्टा टी को अंदर ले आओ, आर परपेंडिकुलर को बाहर ले जाओ, तो ये हो गया लीनियर इम्पल्स या इम्पल्स इंटू आर परपेंडिकुलर। सो एंगुलर इम्पल्स जे इज इक्वल टू लीनियर इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो कि बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और वेक्टर फॉर्म में ये होगा। इस कंसेप्ट पर मैं आपसे 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, और आप देखोगे कि इस कंसेप्ट को जाने के कारण प्रॉब्लम कितने इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ही आसान है, ये सिंपल बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मे बी पार्टिकल और बॉडी रिमेंस कॉन्स्टेंट इफ रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। मीन्स कि नेट टॉर्क यदि जीरो हो देन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, वो सिस्टम एक पार्टिकल भी हो सकता है, एक सेट ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और एक बॉडी भी हो सकता है, वो सब क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। सो आप जब नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यदि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो हम लोग मानेंगे नेट टॉर्क जीरो है, और इसको यहाँ पर डिराइव किया गया है। देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन से क्या बोलता है, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, हम लोग देख चुके हैं। अब नेट एक्सटर्नल टॉर्क पार्टिकल पर जीरो हो जाएगा,
तो ये टर्म कितना के बराबर हो जाएगा, ये टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा। सो डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब कोई किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो हो तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एल सिस्टम, हम लोग सिस्टम की बात करेंगे तो एल सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल भी तो हो सकते हैं। सपोज करो कि मैं एक सिस्टम बोल दिया जहां पांच पार्टिकल है, सब अपने अपने में रोटेट कर रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम हम सबके कारण निकाल दिए और तब इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यदि एक पार्टिकल अपने रोटेशन की स्पीड को चेंज करेगा तो दूसरा पार्टिकल उसको भी अपने आप चेंज करेगा, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, टू मेक एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस उस पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो एल सिस्टम कैसे निकालते हो, सबका एंगुलर मोमेंटम को निकाल दो और उसको वेक्टरली ऐड कर दो। तो यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो यदि कांस्टेंट है तो नेट टॉर्क जीरो और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो यही आपको दिया गया था। अब देखो यहां पर नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉर जीरो एक्सटर्नल टॉर्क और कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, एल कांस्टेंट है, इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के है। तो आप जानते हो आई ओमेगा होता है, और यदि ये कांस्टेंट रहा, यदि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहा, तो इट मींस कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो यदि आप आई को चेंज करोगे तो ओमेगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आई को यदि इंक्रीज करोगे तो ओमेगा ऑटोमेटिकली घट जाएगा, और यदि आई को आप डिक्रीज करोगे तो ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यही है आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इम्प्लीकेशंस, इसको हमने कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू भी देखेंगे। सिंस एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा रिमेंस कांस्टेंट, सो व्हेन आई डिक्रीजेस एंगुलर मोमेंटम ओमेगा इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर देखो इस फिगर से दिखाया गया है, ये जो पर्सन है ये अपने हैंड में दो डंबल्स लिए हुए हैं और ये पर्सन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। सपोज करो कि ये पर्सन ये दोनों डंबल्स को अपने पास में ले आता है, दोनों मास को अपने पास में ले आता है, तो इसका क्या होगा, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा इसका हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि ये पर्सन है और इसके दोनों मास यहाँ पर रखा हुआ है, ये दोनों मास M1 M2 मानो और ये R1 होगा, क्योंकि दोनों हैंड का लेंथ सेम होता है। तो आपको यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का पूरा कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, सो ये कुर्सी का एक्सिस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन का एक्सिस मैं लिख देता हूँ आई पर्सन प्लस ये जो मास है इसका क्या होगा, M1 R² प्लस M2 R² और इसको यदि आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड टाइम जब ये मास को अपने पास में ले आया, ठीक है, जाए कि ये सपोज करो कि ये मास को अपने पास ले आया, यहां पर ले आया, ठीक है, जो दूसरे फिगर से दिखाया गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये टर्म आर का वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर हो गया। सो ये टर्म जीरो के बराबर हो गया, ये टर्म जीरो के बराबर हो गया। यदि ये जीरो के बराबर नहीं भी हुआ तो काफी डिक्रीज हो जाएगा। सो जैसे ये टर्म डिक्रीज होगा तो इसको फाइनल जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, उसको सेम रखने के लिए ओमेगा का वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ये यदि ओमेगा 1 रहेगा तो दूसरा हो जाएगा ओमेगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आई पर्सन, मैं इसको 0 मान लेता हूं, सो ये 0 के बराबर हो गया। तो क्लियरली ओमेगा 2 को ओमेगा 1 से ज्यादा बड़ा होना होगा, तभी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो पाएगा। सो आप ध्यान दो कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप घटा रहे हो किसी भी तरीके से तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जा रहा है, और वैसे ही यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम घट जाएगा। सो यही चीज लिखा गया, ए पर्सन कैरिंग हैवी वेट इन हिज हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कैन चेंज द स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, व्हेन द पर्सन सडनली फोल्ड हिज आर्म इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज एंड इन अकॉर्डेंस द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज। आप चाहो तो इसको अपने घर पे भी करके देख सकते हो, आप फील करोगे कि जो आपका रोटेटिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो गया है, और ऐसे ही यदि ये वेट को फिर से हाथ फैला देगा तो फिर इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मोशन ऑफ प्लैनेट इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो आप देखो कि यहाँ पर मैं दिखा हूँ एक सन है और ये प्लैनेट है। जो प्लैनेट जब सन के क्लोजेस्ट डिस्टेंस में होता है तो उस पोजीशन को हम लोग पेरिगी बोलते हैं, और जब फार्देस्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपोगी बोलते हैं। सो क्लियरली जब फार्देस्ट है, ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा यदि एल आई मानोगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस यदि आर वन मानो तो क्या होगा, एम इसका प्लेनेट का मास m मानो तो m इंटू आर वन स्क्वायर इंटू ओमेगा वन हो गया एंगुलर मोमेंटम। और जब पास में हो गया तब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, l2 हो जाएगा m इंटू आर टू स्क्वायर इंटू ओमेगा टू, यदि ये डिस्टेंस r2 लोगे। क्लियरली आप देखो कि इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से यहां पर क्या है, r2 इज लेस देन r1 सो ओमेगा टू इज ग्रेटर देन ओमेगा वन। ये इस मिशन पे आएगा, पेरिगी पे आएगा तो बहुत फास्ट मूव करेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड पोजीशन जब वो अपोगी पे है। तो यही बात लिखी गई है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस व्हेन द प्लैनेट कम्स क्लोजर टू सन एंड वाइस वर्सा, बिकॉज व्हेन प्लैनेट कम्स क्लोजर टू सन इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस देयरफॉर ओमेगा इंक्रीजेस। फिर ये सारे भी एग्जांपल्स आपको पता होंगे, ए सर्कस एक्रोबेट परफॉर्म्स फीट इन्वॉल्विंग स्पिन बाय ब्रिंगिंग हिज आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू हिज बॉडी एंड वाइस वर्सा। आपने सर्कस में भी देखा होगा या जब डाइविंग करते हैं तो उसमें भी आप देखोगे कि ऊपर से जब वो जंप करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हैंड और लेग्स को क्लोज कर लेते हैं बॉडी के। जैसे क्लोज करेंगे उनका जो रोटेशन स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज उनका मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिक्रीज हो रहा है। आप अपने हैंड और लेग्स को स्ट्रेच करके रखे रहो तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे आप उसको पास ले आओगे, जैसे ये आप स्ट्रेच कर रखे हो तो बॉडी से आपका मास दूर दूर पे है तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, लेकिन जैसे आप हैंड पास ले आओगे लेग पास ले आओगे तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक और अच्छा एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इट्स टाइम पीरियड। देखो ये कभी एग्जाम में पूछता है इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूं। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, सो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा के बराबर होगा और ये कॉन्स्टेंट होगा। सपोज करो कि अर्थ का रेडियस सडनली चेंज हो गया, किसी कारण से चेंज हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अर्थ क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यदि मैं स्फेरिकल सेल की बात करूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अबाउट इट्स एक्सिस। देखो ये स्फीयर हो गया और इसके इस एक्सिस से जा रहा है, पास आउट कर रहा है, और यदि स्फेरिकल सेल होगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर होगा। यदि आर रेडियस है, सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, जो हम लोग देख चुके हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आपको सॉलिड स्फीयर होना चाहिए, तो ये गलती लिखा गया, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी ले लो जो कि 24 आवर्स है, तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2/ टाइम पीरियड, सो 2/T हो गया, ये कांस्टेंट के बराबर हो गया। अब आप देखो कि इसका रेडियस सडनली कम हो गया, चेंज हो गया, तो क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया फॉर कॉन्स्टेंट मास, क्योंकि मास हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। आर डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करो कि जो रेडियस है वो हाफ हो गया, तो जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वन है वो क्या हो जाएगा, 2/5 एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्सिया को मैं यदि आई ओ लिखूं तो आई ओ बाई फोर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया यदि 1/4 टाइम हो गया तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 टाइम से बड़ा हो जाएगा। सो नया जो ओमेगा 1 होगा वो 4 ओमेगा 0 के बराबर हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड टी है वो क्या हो जाएगा, 2π/ω1 डेट इज 2π/4ω0 डेट इज ओल्ड टाइम पीरियड क्या हो गया, T0/4। टाइम पीरियड 4 टाइम से घट जाएगा। जितना से मोमेंट ऑफ इनर्सिया घटता
है उसके दुगने से टाइम पीरियड घट जाता है. सो आर बिकम्स हाफ देन टाइम पीरियड विल बिकम 1/4 दैट इज 6 आवर्स. फिर एक लास्ट कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम कैन बी टेकन एज l इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई. इस पर भी एक प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, इसलिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि l इज इक्वल टू nh बाई 2 वेयर n इज द इंटीजर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी. जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ ये क्रैश कोर्स टाइप का है जिसमें कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए इसको जस्ट केवल फॉर्मूला वगैरह में डिस्कस कर दिया. अब हम लोग नीट एम्स और जेयू के कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू.